Yes, everybody. Very good afternoon. Let's start further with few more questions. Let's move on to the question number 2 and 525. Find the number of revolutions made by a circular wheel of area 1.54 meter square in rolling a distance to 176 meters. अब पहले उसने क्लियर कर दिया बेटा इस क्वेश्चन में कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने. यस एवरीबॉडी, 176 मीटर्स. हां जी, फिर उसने हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, एरिया ऑफ व्हील दैट इज इक्वल टू 1.54 मीटर स्क्वायर. फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया करो, उससे आपको पता चलता है मुझे क्वेश्चन में क्या 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 चाहिए. समर भी बेटे क्वेश्चन आपके लिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला क्या सिखाया था? हाँ जी, एक्सीलेंट. टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस. यस और नो एवरीबॉडी, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है? 176 मीटर. मतलब ये तो गिवन है, सर्कमफ्रेंस नहीं गिवन. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मतलब सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? आर चाहिए. और आर कौन देने वाला है? एरिया. सो एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1.54. आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54 ओवर. अच्छा एक चीज सोचो, हमारे को कुछ चीजें थोड़ी दिमाग, अगर ये 1.54 की जगह 1.57 होता तो आप 22/7 लेते या 3.14 लेते? 3.14, क्योंकि उसका डबल हो जाता. थोड़ा ऐसा आई क्यू हमेशा चला के रखना. गॉट इट? तो अभी मैं क्या लेने जा रहा हूं, 22/7. ये डेसिमल का 100 नीचे आया बेटा, 22 वन 22, तो ये मेरे पास आया 77/100 और 49 ओवर 100. यस और नो? ये 7 का स्क्वायर, ये तो मेरा आर क्या निकला? 7/10. किसी को दिक्कत नहीं. अब मुझे क्या चाहिए? सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस अगर निकालूं तो क्या फॉर्मूला है? 2 बाय आर, 2 टाइम्स 22/7 इंटू 7/10. ये कटा तो ये आया 44/10. कोई दिक्कत नहीं. अच्छा एक चीज साथ साथ नोट कर लो कि सारे यूनिट्स मीटर में चल रहे हैं, तो मुझे कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना. कोई सेंटीमीटर नहीं है, कोई किलोमीटर नहीं है, सब मीटर में है, तो हम सही जा रहे हैं. अब यहां पे सर्कमफ्रेंस क्या आया? 44 मल्टीप्लाई बटन. 11 4 11 16 4 1 4 4. तो भाई कितने रेवोल्यूशन किया उसने? 40 रेवोल्यूशन. अंडरस्टैंडेबल? तो कल हमने लास्ट ऐसे ही क्वेश्चन पे एंड किया था. ठीक है, आई होप 2-3 क्वेश्चन आर इनफ. करिए जी नोट.